आज हम बनाने जा रहे हैं बेसिक वेनिला केक, जिसके लिए हमें चाहिए ये 100 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा है, 100 ग्राम शुगर है, ये दो अंडे हैं जिसका कि येलो मैंने अलग से बीट किया है और वाइट मैंने अलग से बीट किया है, ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 100 ग्राम का अमूल बटर है और ये वेनिला एसेंस है। आइए बनाते हैं वेनिला केक। ये 100 ग्राम मैदा है ऑल पर्पज फ्लावर, इसे मुझे छान के लेना है। इसके साथ में ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों डाल के छानना है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। वो हमें 3 बार करना है, उससे उसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है और केक अच्छा और फ्लफी बनता है। 100 ग्राम अमूल बटर है जिसे मैंने रूम टेम्परेचर पे ला के रखा है। उसके बाद उसमें मुझे भी शुगर मिक्स करनी है। पाउडर शुगर है जिसे मैंने मिक्सी में बारीक करके लिया था, नॉर्मल शुगर को 100 ग्राम नॉर्मल शुगर मैंने ली थी। अब मैं बीट करती हूँ। अब मैं ये अंडे का येलो इसमें डालती हूँ। साथ ही में मुझे अंडे की सफेदी भी उसमें डालनी है। ये हमारा मिक्सर अच्छे से मिक्स हो गया है। ये मैदा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो हमने छान के लिया था 3 बार, वो थोड़ा थोड़ा करके उसमें ऐड करना है। पहले मैं आधा ऐड करती हूँ। कर्टन फोल्ड मेथड से ऐड करना है। तब मैं ये बाकी का भी ऐड कर देती हूँ। साथ ही में मैं हाफ टी स्पून मैंने वेनिला एसेंस उसमें ऐड कर दिया। हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा गाढ़ा है तो उसे आप दूध डाल के भी थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, पर मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है इसलिए मैंने नहीं डाला है। ये मैंने ट्रे को बटर लगा लिया है। अब मुझे उसमें थोड़ा सा मैदा डाल के उसका डस्टिंग करना है इस तरह से, ताकि हमारा केक बर्तन को चिपके नहीं। इस तरह से मैंने कर दिया है। ये हमारा मिक्सचर उसमें डालना है। मिक्सचर मैं उसमें डालती हूँ। मैं
कंटेनर में डाला है, अब मैं उसे टैप करके रखती हूँ ताकि कोई एयर बीच में नहीं। अब मैं ये मिक्सचर ओवन में डालती हूँ। ओवन को मैंने पहले ही 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके रखा है 180 डिग्री पे। ये अंदर डालती हूँ। बीस मिनट हो गए हैं, हमारा केक बनके तैयार हो गया है। उसको हम टेस्ट करेंगे कि वो बना है कि नहीं पूरी तरह से। ये देखो मैंने इसमें ये क्योर डाल के देखा है तो अच्छे से निकला है, उसको कुछ भी लगा नहीं है। इसका मतलब केक तैयार हुआ है। और उसने केक के मोल्ड को छोटा भी है साइड से तो उसका भी मतलब केक तैयार हो गया है। इसे डीमोल्ड करने के लिए 15-20 मिनट के लिए हमें इसे ठंडा करना पड़ेगा और फिर हम उसे निकालेंगे।